अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सुशांत रज़ा है और आप सुशांत रज़ा ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, आप फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इज़हार करने के लिए बड़ी तादाद में रैलियाँ निकाली जा रही हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रैलियाँ निकाली जा रही हैं। पाकिस्तान में भी जो है वो इस वक्त बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो इन रैलियों में शरीक है। बच्चों की जानिब से ये रैली जो है वो निकाली गई है फ़लस्तीनी आवाम के साथ यकजहती का इज़हार करने के लिए। हमारे साथ नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं, जो हाथों में जो है फ़लस्तीनी परचम इन्होंने जो है वो उठा रखे हैं। फ़लस्तीनी आवाम के साथ यकजहती का इज़हार किया जा रहा है। अगर बात करें हम इसराइली जारियत की, तो इसराइली जारियत का आज 26वां रोज़ है और इसराइल की जानिब से जो है वो फ़िज़ाई बम्बारी जारी है, ज़मीनी हमले भी जो हैं वो तेज़ कर दिए गए हैं। 8,500 से ज़ायद जो है वो फ़लस्तीनी जो है वो शहीद किया गया है, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं वो फ़लस्तीनी आवाम के साथ यकजहती का इज़हार करने के लिए जो है वो सड़कों पर आ गए हैं और यकजहती का इज़हार किया जा रहा है और रैलियाँ निकाली जा रही हैं। बड़ी तादाद बच्चों की जो है वो शरीक हैं, तुलबा की बड़ी तादाद जो है वो इस एहतजाजी मुजाहरे में जो है वो शरीक है और अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है गज़ा की, वो कुछ यूँ है कि इस वक्त जो है वहाँ पर मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी है, मौसलाती निज़ाम जो है वो बंद कर दिया गया है इसराइल की तरफ से और बिजली का निज़ाम वहाँ पर बंद है, टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस जो है वो वहाँ पर बंद है, जिसके खिलाफ आज एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं वो एहतजाज जो है वो कर रहे हैं और एहतजाज में शरीक जो बच्चे हैं उनका कहना है कि हम फ़लस्तीनी आवाम के साथ यकजहती का अपना इजहार कर रहे हैं। और बड़ी तादाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं रैली में जो है वो बच्चे शरीक हैं, फ़लस्तीनी हाथों में परचम उठा रखे हैं और फ़लस्तीनी आवाम के साथ यकजहती का इजहार किया जा रहा है।